आइए हाथ से हाथ मिलाएं और छत्तीसगढ़ राज्य की एक भव्य तस्वीर बनाएं। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की सच्ची भावना के साथ मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का, तमाम जनप्रतिनिधियों का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रपाक बंधुओं का और बिलासपुर के जन जन का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बिलासपुर जिले के कलेक्टर डॉक्टर संजय लंग से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से अभिनंदन करें। डॉक्टर संजय लंग, बिलासपुर जिले के नवपरदेश पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल सर से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। हॉकी संघ की ओर से, आयोजन समिति की ओर से श्री अटल श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। छत्तीसगढ़ शासन के माननीय सचिव खेल युवा कल्याण श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी सर से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी सर, खेल और युवा कल्याण की संचालक महोदया श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सेना से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। श्रीमती रश्मि सिंह विधायक तखतपुर विधानसभा से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। श्री रजनीश सिंह विधायक बेलतरा विधानसभा से निवेदन कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। श्रीमती श्यामा से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। श्री विजय केशरवानी जी जिला कांग्रेस कमेटी से निवेदन कि वो स्वागत करें। श्री आशीष सिंह से निवेदन कि वो स्वागत करें। श्री नरेंद्र बोलर जी शहर कांग्रेस कमेटी, लक्ष्मी ध्रुव माफी चाहूंगा विधायक, उनसे निवेदन कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। श्री विजय केशरवानी जी, श्री नरेंद्र बोलर जी, श्री बाटू सिंह जी, श्री स्वप्निल शुक्ला जी, श्री धर्मेश शर्मा जी, श्री अरविंद शुक्ला जी, श्री सुनील शुक्ला जी, श्री सिद्धांशु शुक्ला जी। हॉकी संघ की ओर से श्री मनीष श्रीवास्तव जी, श्री रोहित वाजपेयी जी, डॉक्टर विवेक वाजपेयी जी, श्री फिरोज अंसारी जी, श्री रवि ठाकुर जी, श्री नीरज अवस्थी जी, श्री भुट्टोराज जी, श्री राकेश शर्मा जी, श्रीमती सभा अंजुम पद्मश्री जो कि मैं बता रहा था महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान भारत की, नीता डूमरे जी, ग्राम बहताई की सरपंच श्री राधेश्याम साहू जी, श्री विक्रम सिंह जी जो उपाध्यक्ष हैं जनपद पंचायत बिला के, उनसे भी गुजारिश कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। तमाम जनप्रतिनिधि आप देख रहे रैंप पर, श्री राकेश सिंह, श्री बाटू सिंह जी, श्री धर्मेश शर्मा जी, बाटू सिंह जी, राकेश सिंह जी, सभी का स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज के इस गरिमामय समारोह के मुख्यमंत्री, जन जन के नेता, प्रदेश के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, उन सबका स्वागत स्वीकार करते हुए श्री अभय नारायण राय जी, श्री अर्जुन तिवारी जी, श्री किशोरी लाल गुप्ता जी, श्री मुदलियार जी, तमाम जनप्रतिनिधिगण, श्री महेश दुबे टाटा जी, तमाम जनप्रतिनिधि, उन सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए हमारे प्रदेश के जन जन के नेता यशस्वी मुख्यमंत्री आज के इस गरिमामय समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश शासन के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी, इन सब का अभिवादन स्वीकार करते हुए। जितने भी कैमरामैन है उसे गुजारिश है एक बार करके वो पीछे हट जाए, थोड़ा पीछे जो पंडाल है ताकि वो नजर आ सके जनता।
सीधे रूबरू हो सके, माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, आपसे गुजारिश। इस अवसर पर मैं स्वागत भाषण के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं बिलासपुर जिले के कलेक्टर डॉक्टर संजय अलंग। नमस्कार। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन श्री भूपेश बघेल जी, मंच पर उपस्थित माननीय विधायिका श्रीमती रश्मि सिंह जी, श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव जी, श्री मोहित केरकट्टा जी, रजनीश सिंह जी, साथ में उपस्थित सचिव खेल श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी जी, मंच पर आसीन श्री अटल श्रीवास्तव जी, खेल संघ के पदाधिकारी, हॉकी संघ के पदाधिकारी, खेल विभाग से आए हुए वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न खिलाड़ी टीमों के सदस्यगण, उपस्थित समुदाय, मीडिया पर्सन्स, राज्य स्तरीय खेल प्रशिक्षण परिसर बहतराई बिलासपुर छत्तीसगढ़ प्रदेश में खिलाड़ियों को समुचित खेल सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इस राज्य स्तरीय खेल प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के लिए सन 5-6 में राशि 3,988.70 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा इस बृहत परियोजना होने के कारण बहतराई छत्तीसगढ़ में 48.42 एकड़ भूमि को प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण हेतु यह भूमि प्रदान की गई। परिसर का निर्माण कार्य 8/10/8 को प्रारंभ हुआ, जिसमें खेल विभाग की आवश्यकता के अनुरूप इस परियोजना की लागत में वृद्धि होने के कारण पुनः पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति 11184.00 लाख दिनांक 9/7/12 को प्रदान की गई। इस परिसर में प्रशिक्षण के लिए अलग अलग खेलों का मैदान का निर्माण किया गया है, जिसमें आउटडोर स्टेडियम की क्षमता 23,500, इंडोर स्टेडियम की क्षमता 3,500 व्यक्तियों के लिए होने के साथ ही प्रशासनिक भवन, 100 सीटर गर्ल्स हॉस्टल, 50 सीटर बॉयज हॉस्टल, जिसको कि 14 तक पूर्ण कर लिया गया है। आउटडोर स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण है और फुटबॉल निर्माण प्रगति पर है। हॉकी खेल जिसका आज होना है, इसकी 463.2 लाख की स्वीकृति 30/8 को दी गई थी, जो अब पूर्ण हो गया है, जिसका आज लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जाना है। मैं इस अवसर पर आप सभी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ आए विधायक गणों का, माननीय विधायक गणों का सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि बिलासपुर का ये स्टेडियम सबके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। थैंक यू। उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित कर रहा हूं छत्तीसगढ़ शासन के खेल और युवा कल्याण के माननीय सचिव श्री सरदार कोमल परदेशी सर। आज राज्य स्तरीय खेल प्रशिक्षण परिसर भतराई में नवनिर्मित हॉकी टर्फ मैदान के लोकार्पण कार्यक्रम एवं नवी हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में हमारे बीच मंचस्थ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री भूपेश बघेल जी, हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय विधायकगण, माननीय श्रीमती रश्मि सिंह जी, माननीय श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव जी, माननीय रजनीश सिंह जी, माननीय मोहित केरकट्टा जी, हमारे बीच उपस्थित विशेष तौर में अंतर्राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी श्रीमती नीता डुमरे जी, पद्मश्री सभा अंजुम जी, हमारे बीच उपस्थित विशिष्ट अतिथि माननीय श्री अटल श्रीवास्तव जी, श्री विवेक वाजपेयी जी, हॉकी संघ के अध्यक्ष श्री फिरोज अंसारी जी, श्री आशीष सिंह जी, हमारे बीच मंचस्थ समस्त अतिथिगण, कलेक्टर एसपी साहब, नागरिकगण एवं देश भर से आए हुए 22 राज्यों के खिलाड़ीगण। मैं खेल एवं युवा कल्याण छत्तीसगढ़ शासन की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि आज बड़ा हर्ष का विषय है कि इस खेल परिसर में जो हॉकी का सबसे ज्यादा डिमांड इस बिलासपुर अंचल में हो रही थी, उसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से हम लोगों ने आज इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं और यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है। ये जो एस्ट्रो टर्फ लगभग 4 करोड़ की लागत से निर्मित है,
ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के सब जो पैरामीटर्स है उसके अनुसार बनाया गया है और आज यहाँ पर नेशनल टूर्नामेंट हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। साथ ही साथ बताना चाहूँगा ये खेल परिसर जो अभी निर्माणाधीन है इसमें हम लोग एक आउटडोर स्टेडियम का निर्माण चल रहा है जिसमें लगभग 22,000 लोगों की बैठने की उसमें सुविधा है और उसमें एथलेटिक एवं फुटबॉल के खेल भी आयोजित हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक भव्य इंडोर स्टेडियम का इधर कार्य चल रहा है जो आगामी 3 महीने में पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण रूप से वातानुकूलित ये जो स्टेडियम है। लगभग 3,500 इसमें सिटिंग कैपेसिटी होगी और इसमें विभिन्न गेम जैसे जैसे बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है, अन्य इंडोर खेल है इसमें आयोजित किए जा सकेंगे और साथ ही साथ इधर एस्ट्रोटर्फ भी निर्मित है। संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि अभी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं खेल को प्रोत्साहित करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ही कुछ महीने पहले जो हमारे बच्चे खेलो इंडिया नेशनल कंपटीशन में जाते हैं उनके लिए भी पुरस्कार की घोषणा की है। स्वर्ण पदक के जो बच्चे होते हैं उन्हें 2 लाख रुपए और जो सिल्वर मेडल लेते हैं उन्हें 1 लाख और जो ब्रॉन्ज मेडल होते हैं उन्हें हम लोग 75,000 देने का ऐसा प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार खेल को हर स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैं ज्यादा न कहते हुए आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। खेल संघ का भी मैं विशेष आभार हॉकी संघ का व्यक्त करना चाहूंगा कि उनके द्वारा इस हॉकी के निर्माण में सतत मार्गदर्शन देते गए। फेडरेशन के लोगों ने भी चेक किया और आज हमारे सभी खिलाड़ी जो आए हुए उनका हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आयोजन समिति की ओर से मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अटल श्रीवास्तव जी। बिलासपुर इस खेल परिसर में आज एस्ट्रोटर्स के उद्घाटन और अखिल भारतीय सब जूनियर हॉकी टूर्नामेंट के उद्घाटन में उपस्थित छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमारे बीच में तखतपुर के विधायक आदरणीय श्रीमती रश्मि सिंह जी, विधायक आदरणीय लक्ष्मी ध्रुव जी, तानाखार के विधायक आदरणीय मोहन केरकट्टा जी, बिलासपुर के जिलाध्यक्ष आदरणीय आलंग साहब, छत्तीसगढ़ खेल एवं युवक कल्याण के सेक्रेटरी आदरणीय कोमल सिद्धार्थ कोमल परदेशी जी, डायरेक्टर श्वेता सिन्हा जी, यहाँ पर उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केशरवानी जी, छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी मरीज श्रीवास्तव जी, रोहित वाजपेयी जी, मंच पर उपस्थित शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई नरेंद्र भुलर जी, हमारे बेलतरा के लोकप्रिय विधायक भाई रजनीश सिंह जी, विक्रम सिंह जी और हॉकी की छत्तीसगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शोभा अंजुम जी, मैडम डोंगरे जी। बिलासपुर हॉकी का स्वर्णिम इतिहास रहा है। बिलासपुर प्रारंभ से ही हॉकी का गढ़ रहा है। इस शहर को अन्य शहर में हॉकी के नाम से जाना जाता रहा है। आज़ादी के पूर्व से प्रारंभ हुई बिलासपुर की हॉकी एसी रेलवे कलकत्ता की देन है। हॉकी एवं फुटबॉल रेलवे कलकत्ता के माध्यम से बिलासपुर में प्रवेश कर हॉकी और फुटबॉल शहर में 2 भागों में बट गया था। इस शहर से सर श्री लेजली क्लाइडियस न केवल 4 बार ओलंपिक हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया अब तो भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनकर बिलासपुर शहर को गौरवान्वित किया है। श्री सैयद गफ्फार प्री ओलंपिक, श्री दिलीप राय, श्री काशी रजक ने भारतीय टीम की ओर से बिलासपुर शहर में टेस्ट मैच का प्रतिनिधित्व किया है। शहर के बेहतरीन खिलाड़ी में सर पुन्नू लाल जी, चुन्नू लाल जी, श्याम भूषण लाल, सुखलाल जी हकीकत में शहर के हॉकी जगत के नाम के अनुरूप उनके हुनर के लाल थे। इनके साथ ही मनोहर राव वैद्य, श्री सुशील कुमार वर्मा, श्री अब्दुल रहमान, शेख सत्तार, श्री उमा यादव, श्री वर्दू भैया, श्री अब्दुल रशीद, श्री मुजीब खान आदि हॉकी जगत के जाने माने नाम थे जिन्होंने बिलासपुर का नाम हॉकी के पटल पर बहुत उद्यमान रूप से रखा है। शहर में अनेक सुविधाएं एवं नए विकास हुए पर हॉकी का एक अलग मैदान नहीं बन पाया था जिसकी मांग बिलासपुर के हॉकी प्रेमी लोग वर्षों से करते आ रहे थे। लेकिन आज 17 जून 2014 इतिहास के सुनहरे पन्नों पर एस्ट्रोटर्फ के नाम पर दर्ज होने जा रहा है जिसकी परिकल्पना पूर्वजों ने सोची थी। यदि यह कार्यक्रम में पूर्व मंत्री स्वर्गीय सीबी आर यादव के नाम बिलासपुर हॉकी को एक लंबे वर्षों तक जीवित रखने के नाम पर याद किया जाएगा। बी आर यादव जी ने हमेशा लगातार अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट करा के बिलासपुर के खिलाड़ियों को, बिलासपुर के हॉकी प्रेमियों के लिए हमेशा एक उम्मीद जगाए रखी कि बिलासपुर को हॉकी के नाम से जाना जाए। बी आर यादव जी हॉकी संघ के अध्यक्ष रहे,
बीआर यादव जी की मंशा थी कि बहतराई में हॉकी का आधुनिक स्टेडियम होना चाहिए और उनके मंत्रित्व काल में ही जो जगह आप 48 एकड़ की जगह देख रहे हैं उस समय से इसको रिजर्व रखा गया था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, पर उनकी परिकल्पना आज मूर्त रूप ली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बृहद योजना इस खेल परिसर का नाम स्वर्गीय बी आर यादव जी के नाम रखा जाना चाहिए। साथ ही हॉकी को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हमारे पूर्व सांसद श्री भगत राम मनोहर, श्री अब्बास भाई पेटी वाले, श्री पूर्व मंत्री राय साहब, सूबेदार डॉक्टर खेतर पाल, पूर्व सांसद निरंजन केसरवानी को भी भुलाया नहीं जा सकता। हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री